Hello guys, welcome to our video tutorial. Today we are discussing about the NEET exam related mock test 2. Mock test 2 in which cover whole chapter 1, some basic concept of chemistry. In this mock test in which every question will be given by 30 seconds in which solve the question and give answer. If you need more time to pause video and solve the question, please guys comment your answer and share your result with us. Let's go for the question 1. Question 1 is the molarity of liquid HCl. If density of solution is 1.17 gram per cc is there is the density of solution is given. Also there is the four option ABCD, option A 36.5, option B 18.20, option C 32.05, option D is 42.10. Your time starts now. यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है एच सी आई सोल्यूशन की और यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की 1.17 ग्राम पर सीसी। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। यहाँ देर इज द डेंसिटी इज द गिवन 1.17 ग्राम पर सीसी। 1 cc सॉल्यूशन कंटेन 1.17 ग्राम ऑफ HCl। दिस रिगार्डिंग द वी आर द कैलकुलेटेड फॉर द मोलारिटी द यूजिंग दिस इक्वेशन टू द आंसर इज द 32.05। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोलारिटी इफ यू ऑल स्टूडेंट आर नो वेरी वेल। आंसर इज 32.05। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 × 10⁻²⁰ सीसी पर ग्राम। होल रेडियस एंड लेंथ आर 7 एंगस्ट्रॉन्ग एंड 10 एंगस्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिवली। इफ एन एवोगाड्रोंग इज गिवन 6.02 × 10⁻²⁰ फाइंड आउट मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस। देर इज द फोर ऑप्शन 15.4 kg पर मोल, ऑप्शन बी 1.54 × 10⁴ किलोग्राम पर मोल, ऑप्शन सी 3.808 × 10⁴ किलोग्राम पर मोल, ऑप्शन डी 3.08 × 10�³ किलोग्राम पर मोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पर लेंथ दी हुई है, एवोगाड्रो अंक दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है वायरस का। गाइस योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर रिजल्ट्स। देयर इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज गिवन 6.02 × 10⁻²⁰ सीसी पर ग्राम। रेडियस ऑफ वायरस आर इज इक्वल टू 7 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वायरस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एल इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज पुट इन टू द इक्वेशन एंड द वेट ऑफ द वायरस पार्टिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। देर इज द वॉल्यूम इज द 1.54 × 10⁻³ अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द 6.02 × 10⁻²⁰ ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस इज इक्वल टू वेट ऑफ एन एवोगाड्रो अंक पार्टिकल। दिस इज इक्वल टू 1.54 × 10⁻²⁰ अपॉन 6.02 × 10⁻²⁰ ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 15,400 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 15.4 किलोग्राम पर मोल। देयर योर आंसर इज द ए 15.4 किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ CO ऑब्टेन बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 इज। देयर इज फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए 2.24 लीटर, ऑप्शन बी 1.12 लीटर, ऑप्शन सी 0.84 लीटर, ऑप्शन डी 0.56 लीटर।
Your time starts now. यहाँ पे BaCO3 9.8 ग्राम डिकम्पोजिशन होने के लिए कितना ग्राम CO की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। Your time is over. Let's go for answer. First of all, we had shown the reaction BaCO3 produced BaO decomposition, so produced BaO plus CO2. This is the value of the gram, and 9.8 gram of BaCO3 will be produced 118 liter CO2 at NTP on the complete decomposition. And this regarding to 118 liter is the required CO. Next question, for oxidation number of ABC are plus 2, plus 5 and minus 2 respectively, possible formula of compound is, there is the four option: A2 B2 twice, A3 BC4 twice, A2 BC3 twice, A3 B2C twice. Your time starts now. यहाँ पे आपको पॉसिबल फॉर्मूला फाइंड आउट की करनी है, और ऑक्सीडेशन नंबर है ABC, उसकी जो ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है, तो उसकी हमको पॉसिबल फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। Your time is over. Let's go for results. Here, given by the formula, this regarding to oxidation value is the put in the formula: A3BC4 twice plus 2 into 3 plus 2 in bracket plus 5 plus 4 minus 2. This equation are the solved and the result is obtained plus 6 plus 2 minus 3 is equal to 0. Hence, in the compound A3BC4 twice, the oxidation number of ABC are the plus 2, plus 5 and minus 2 respectively. Next question is the number of atom in 4.25 gram of NH3 is approximately, there is the atomic number, atoms are given, weight, there is the four option: 4 into 10 raised to minus 23, option B 2 into 10 raised to 23, C is equal to, option C is the 1 into 10 raised to minus 23, and D is the 6 into 10 raised to 23. Your time starts now. Your time is over. Let's go for results. There is the number of molecules in 4.25 gram NH3 is equal to 4.25 upon 17 into 6.023 into 10 raised to minus 23 is equal to 2.5 into 6.023 into 10 raised to 22. The numbers of atom in 4.25 gram NH3 is equal to 4 into 2.5 into 6.023 into 10 raised to 22 is equal to 6.023 into 10 raised to 23. 6.023 into 10 raised to 23 is answer. Let's go for next question. Given the number, number is the 161 centimeter, 0.161 centimeter, 0.0161 centimeter. The number of significant figure for the
थ्री नंबर्स इज सिग्निफिकेंट फिंगर फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन फॉर ऑप्शन इज गिवन. ऑप्शन ए थ्री थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली, बी थ्री फोर एंड फोर रिस्पेक्टिवली, थ्री फोर एंड फाइव रिस्पेक्टिवली, थ्री थ्री एंड थ्री रिस्पेक्टिवली. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, वो तीन नंबर की हमको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करनी है. Your time is over. Let's go for results. 0 placed left to the number are the never significant. Therefore, the number of the significant figure for the number 161 centimeter is equal to 0.161 centimeter and 0.061 centimeter are the same. Example 3. Your answer is the D. Significant number is the 3. Next question. Hemoglobin contains 0.334% of iron by the weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67,200. The number of iron atom, atomic weight of Fe is the 56. Present in one molecule of hemoglobin is option, there is the given four option. Option A 4, B 6, option C 3, option D 2. Your time starts now. यहाँ पे हमको आयरन कंटेंट दिया हुआ है, कितना कंटेंट में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, और यहाँ पे हमको एटॉमिक वेट ऑफ आयरन भी दिया हुआ है. अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको वन मोल में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आयरन एटम प्रेजेंट है वो हमको फाइंड आउट करना है. Your time is over. Let's go for answer. There is the quantity of iron in one molecule is the find out. We require to the one molecule of iron. How many moles present in iron in one moles? So is equal to 67,200 upon 100 into 0.334 is equal to 224.45 mu. Number of iron atom in one molecular of hemoglobin is equal to 224.45 upon 56 is equal to 4. Your answer is A, 4. Next question. In the reaction, 4 NH3 gas plus 5O2 produced 4 NO plus 6 H2O liquid. NO is the gas. When 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, option 4, option A, all the oxygen will be consumed, option B, 1 mole of NO will be produced, option C, 1 mole of H2O is produced, option D, all the ammonia will be consumed. Your time starts now. Ek reaction di hui hai, usme se humko 1 मोल अमोनिया और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए वो हमको बताना है. योर टाइम इज ओवर. लेट्स गो फॉर आंसर. First of all, we are the showing the reaction. Reaction in which to give the mole of the compound. There is the 4 mole of the NH3, 5 mole of the oxygen, 4 mole of the NO2 are produced, 6 mole of H2O water is the produced. 1 mole of NH3 required is equal to 5 by 4. There is the 4 molecule is the produced. Yahan pe bhi 5 mole of the oxygen hai. 4 मोल ऑफ द NH3 यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन वाइल 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4/5. देर इज द आंसर इज द 0.8 मोल्स ऑफ NH3 इज द रिक्वायर्ड.
therefore the all oxygen will be consumed. यहाँ पे 0.8 mole of the NH3 produce and the for 5/4 is equal to this NH3 is required the 1.25 mole of the oxygen. There reasons to oxygen will be consumed. All oxygen is consumed. Your answer is the A. Next question is the 0.24 gram of the volatile gas upon the vaporization given 45 ml vapor at NTP. What will be vapor density of the substance? Density of the H2 is equal to 0.08 gram per liter. There is the four options are given. Option A 95.93, B 59.93, C 95.39, D 5.993. Your time starts now. वोलेटाइल गैस का हमको वेट दिया हुआ है, वेपोराइजेशन कितने ml का हो रहा है वो भी 45 हमको दिया हुआ है, एंड डेंसिटी ऑफ द वेपर डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है सब्सटेंस की. और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ H2 इज द गिवन 0.089 ग्राम पर लीटर. Your time is over. Let's go for answer. Weight of gas is equal to 0.24. There is the given in the answer. Questions. Volume of gas is equal to 45 ml. This is also given in questions. Is equal to 0.045 liter. And density of H2 is equal to 0.089. Weight of 45 ml of H2 is equal to density into volume. This equation in which put both value, the 4.005 into 10 to minus 3 gram is the weight of 45 ml H2. There is the obtained. Therefore, the vapor of density is equal to weight of certain volume of substance upon weight of same volume of hydrogen. This is the equation is equal to this value is put in the this equation, so is equal to 0.24 upon 4.005 into 10 to minus 3. And this is the solve the equation. The answer is the 59.93. Your answer is the B 59.93. Next question, the amount of zinc required to produce 224 ml of the H2 at STP on treatment with the dilute H2SO4 will be, there is the four option given. Option A 65 gram, option B 0.065 gram, option C 0.65 gram, option D 6.5 gram. Your time starts now. Amount of zinc required produced 224 milliliter H2. कितने मोल में जिंक हमको रिक्वायर्ड पड़ेगा 224 ml H2 प्रोड्यूस करने के लिए. यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है एचटीपी एंड ट्रीटमेंट करना है हमको डाइल्यूट H2SO4 के साथ. इफ़ यू रिक्वायर्ड मोर टाइम तो प्लीज़ पुज वीडियो एंड सॉल्व द इक्वेशन. योर टाइम इज ओवर. लेट्स गो फॉर आंसर. आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन शो इन द रिएक्शन Zn plus H2SO4. This is the treated with the Zn zinc को हमको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको ट्रीट करना है, मीन्स के उसको रिएक्ट करवाना है. दिस प्रोड्यूस द Zn SO4 प्लस H2 गैस. सिंस 65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट टू द लिब्रेट 22,400 ml of the H2STP. Therefore, amount of zinc need to produce 224 ml of H2 at STP is equal to 65 upon 22,400 into 224 is equal to 0.65 gram. This is the condition there will be given. Zinc, how much gram of the required, this also given. This reaction solved to answer is the 0.65 gram. Your answer is the C, 0.65 gram. Next question, the dimension of the pressure are same as that of, there is the four option. Option A, force per unit volume. Option B, energy per unit volume. C, force. D, energy. Your time starts now. यहाँ पे हमको प्रेशर का डायमेंशन
कैसे होता है वो हमको बताना है, कैसे किसके जैसा होगा वो हमको बताना है। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो सी द रिजल्ट। बी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एरिया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एम एल टी रेस टू माइनस टू अपॉन एल रेस टू टू इज इक्वल टू, दिस इज द सॉल्व द इक्वेशन, तो इज इक्वल टू एम एल रेस माइनस वन टी रेस टू माइनस टू। एंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, देर इज इक्वल टू द पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, द वॉल्यूम इज द लिक्विड, दिस इज द गिवन एल रेस टू थ्री इज इक्वल टू द एम एम एल रेस टू वन एंड टी रेस टू टू। योर आंसर इज द बी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। The number of next question is the number of moles of oxygen in 1 liter air containing 21% oxygen by the volume under standard condition is, there is the four option, option A 0.0093 mol, B 2.10 mol, C 0.86 mol, D 0.21 mol. Your time starts now. Oxygen ke यहाँ पे कंडीशन दी हुई है 21% ऑक्सीजन बाय द वॉल्यूम, और आपको फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर कंटेनिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा 21% वॉल्यूम? योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। Answer is the A, volume of oxygen in 1 liter of air is equal to 21 upon 100 into 1000 is equal to 210 milliliter. Therefore, the number of mole is equal to 210 upon 22,400 is equal to 0.0093 mol. Your answer is the 0.0093 mol, option A. Next question. The total number of valence electron is 4.2 gram in NO3 minus ion is, Na is the Avogadro number. There is the Na given, Avogadro number. There is the four option, option A 2.1 Na, option B 4.2 Na, option C 1.6 Na, option D 3.2 Na. Your time starts now. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको दिया हुआ है 4.2 ग्राम ऑफ NO3 आयंस, एवोगैड्रो फाइंड आउट करना था। लेट्स, योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। ईच नाइट्रोजन एटोम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस आयन इज द 16। सिंस द मोलिकुलर मास ऑफ द N3 इज 42, therefore total number of electron in 42 gram of N3 minus ion is equal to 4.2 upon 42 into 16 into Na, Avogadro ang, is equal to 1.6 Na. Your answer is the 1.6 Na C. Next question 14. A 5 molar solution of H2SO4 sulfuric acid is dilute from the 1 liter of volume to 10 liter. The normality of the solution will be, H2SO4 5 molar है, उसको हमको डाइल्यूट करना है 1 लीटर से 10 लीटर। There is the four option, option 1 normal, option B 0.1 normal, C 5 normal, D 0.5 normal. Your time starts now.
your time is over. Let's go for answer. 5 molar H2SO4 is equal to 10 normal H2SO4. N1 V1 is equal to N2 V2. Therefore, the 10 into 1 is equal to N2 into 10. There is the N2 is equal to 1 normal. This equation I using to the calculate computation. This is the your answer is the 1 normal 14, in which answer is the next question 15. The number of the gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 raised to 24 CO molecule is, there is the 4 option. Option A, 10 gram of molecules, B, 5 gram molecules, C, 1 gram molecules, D, 0.5 gram molecules. Your time starts now. यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, सीओ का हमको फाइंड आउट करना है. योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर. Avogadro number N is equal to 6 into 0.2 into 10 raised to 23 molecules is equal to 6.02 into 10 raised to 24 CO molecules is equal to 10 moles of CO is equal to 10 gram atom of oxygen is equal to 5 molecules of oxygen. 5 molecules of oxygen यहाँ पे हमको मिलेगा, तो उसको हिसाब से your answer is the B. 16. Boron has the two stable isotopes, boron 10 19% and boron 11 81%. Calculate average atomic weight of boron is the periodic table. There is the four option. Option A 10.8, option B 10.2, option C 11.2, option D 10. Your time starts now. यहाँ पे हमको boron का दो stable आइसोटॉप्स दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है हमको एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन. योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर. Average atomic mass is equal to 19 into 10 plus 81 into 11 upon 100 is equal to 10.81. Your answer is the A, 10.81. Next question 17. The molecular weight of oxygen and SO2 are the 32 and 64 respectively at the 15 degree and 150 mm Hg pressure. 1 liter of oxygen contain N molecules. The number of molecules in 2 liters of SO2 under the same condition of temperature and pressure will be, there is the 4 option, N by 2, option B N, option C 2N, option 4 D is 4N. Your time starts now. यहाँ पे दो गैस है, उसकी कंडीशन दी हुई है, उसको हमको एक का कंडीशन है 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm Hg प्रेशर, मर्क्यूरी प्रेशर के अंडर में है, तो उसकी N है, तो दूसरी की SO2 की कितनी है सेम कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर. Answer is C. If 1 liter of one gas contain N molecules, 2 liter of any gas under the same condition will be contain 2N molecules. हमको एक गैस की कंडीशन सेम कंडीशन दी हुई थी और दूसरे का हमको फाइंड आउट करना था. एक का एक है तो दूसरे का उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 लीटर का हमको फाइंड आउट करने के लिए 2N molecules होगा. Next question 18. A metal oxide has the formula Z2O3. It can be reduced by the hydrogen to given free metal and water. 0.15 1590 gram of the metal
oxide required to 0 mg of hydrogen for the complete reduction. The atomic weight of the metal is A is equal to 27.9, B 159.6, C 79.8, D 55.8. Your time starts now. यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मूला दी हुई है, रिड्यूस हाइड्रोजन टू गिव द फ्री मेटल एंड वाटर. यहाँ पे दो कंडीशन अलग अलग दी हुई है, हमको एटॉमिक वेट ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है. योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर. यहाँ पे पहले तो हम रिएक्शन की ओर नज़र डालते हैं, तो Z2O3 प्लस 3H2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ जेड प्लस 3H2O प्रोड्यूस होता है. वैलेंस ऑफ मेटल इन Z2O3 इज इक्वल टू 3. दिस इज द देर इज गिवन वेट 0.1596 ग्राम ऑफ Z2O3 रिएक्ट विथ 6 mg ऑफ H2. 1 mg इज इक्वल टू 0.001 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. 1 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ इज इक्वल टू 0.1596 अपॉन 0.006 इज इक्वल टू 26.6 ग्राम ऑफ Z2O3. इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z2O3 इज इक्वल टू 26.6. नाउ इक्वेशन वेट ऑफ द जेड प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 26.6. इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जेड इज इक्वल टू 26.6 माइनस 8 इज इक्वल टू द 18.6 एंड एटॉमिक वेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 18.6 इंटू 3 इज इक्वल टू 55.8. देर इज द equation given by the equivalent weight is equal to atomic weight upon valence metal. Your answer is the D, 26.6. Next question, 19. Ratio of the Cp and Cv of gas X is 1.4. The number of atom of the gas X present in 11.2 liter of it at NTP will be. NTP हमको find out करनी है. यहाँ पे दो तीन condition दी हुई है Cp and Cv gas की. There is the four option. Option A 6.02 into 10⁻². Option B 1.2 into 10⁻². C 3.01 into 10⁻². There is the one mistake. 10⁻². Option D 2.01 into 10⁻². Your time starts now. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो हमने कंडीशन दी है उसमें एक्स प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट में 11.2 लीटर है, तो हमको उसको एनटीपी फाइंड आउट करनी है. योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर. हियर सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू 1.4 इन शोज दैट द गैस इज डाई एटॉमिक. गैस कौन सा है, तो डायटोमिक गैस है. 22.4 लीटर एट एनटीपी इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻². मोलिक्यूल्स दैस द 11.2 लीटर एट एनटीपी इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻². मोलिक्यूल्स सिंस गैस इज डायटोमिक, देर विल बी 11.2 लीटर एट एनटीपी इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻². एटोम इज योर आंसर ए, 6.02 into 10⁻². Is answer. Next question, what is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 kilogram of ethylene? There is the four option. Option A 2.8 kilogram, option B 6.4 kilogram, option C 9.6 kilogram, option D 96 kilogram. Your time starts now. 2.8 किलोग्राम इथाइलिन को कम्बक्शन करने के लिए हमको कितना ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड पड़ेगी वो हमको कैलकुलेट करना है.
प्लीज़ गाइस कमेंट करिए, वीडियो लाइव है तो उसका आंसर दीजिए, और आपको कोई क्वेरी है तो हमको भी कमेंट करके आप बता सकते हो। इफ़ यू मोर टाइम तो इफ़ यू कैन पुश वीडियो एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो टाइम इज़ ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द रिएक्शन C2H4 plus 3O2 product 2 moles of CO2 plus 2 moles of H2O। यहाँ पे इथाइलिन गैस है तो 28 ग्राम है, और उसका ऑक्सीजन का वेट हम करेंगे तो 96 ग्राम है। फॉर द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन इज रिक्वायर्ड टू 96/28 ग्राम इंटू 2.8 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 96/28 इंटू 2.8 इंटू 10^3 ग्राम इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10^3 ग्राम इज इक्वल टू 9.6 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देर इज वी आर द रिक्वायर्ड द 9.6 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंबक्शन ऑफ द कंप्लीटली 2.8 ग्राम इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of oxygen atom is 4.4 gram of CO2 is, there is the four option 1.2 into 10^23, option B 6 into 10^22, C 6 into 10^23, D is 12 into 10^23. Your time starts now. 4.4 gram CO2 में कितना numbers of ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो गए हो हमको फाइंड आउट करना है। आपके पास चार ऑप्शन है और 30 सेकंड का टाइम है। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर और सॉल्यूशन। 1 mole ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। योर आंसर इज द ए। सिंस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 इज इक्वल टू 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, 2 × 6 × 10^22 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.20 × 10^23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1.2 × 10^23 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट STP द डेंसिटी ऑफ द CC14 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू, ऑप्शन ए 6.87, ऑप्शन बी 3.42, ऑप्शन सी 10.26, ऑप्शन डी 4.57। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है एट STP और उसकी वेपर किसके नियरेस्ट होगी, किसके आसपास होगी, वो हमको फाइंड आउट करना है। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो सी द रिजल्ट। हियर इज द वेट ऑफ द 1 mole CCl4 वेपर, उसका हमको 1 mole का हमको कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टू 12+4 × 35.5 इज इक्वल टू 154 ग्राम वेट ऑफ CCl4 वेपर इन 1 mole। तो डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इज इक्वल टू 154/22.4 ग्राम पर लीटर माइनस इनवर्स इज इक्वल टू द 6.875 ग्राम ऑफ लीटर रेस टू माइनस वन इज द योर आंसर ए। 6.875 ग्राम लीटर इनवर्स माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेंट 1200 mg plus 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द वॉशिंग सोडा रिक्वायर टू द रिमूव इट्स हार्डनेस, ऑप्शन ए 1, बी 12.16, सी 1 × 10^-3, ऑप्शन डी 12.16 × 10^-3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यहाँ पे 1 लीटर हार्ड वाटर्स कंटेन जो Mg+2 है कितने मिलीग्राम वो उसका दिया हुआ है, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द वॉशिंग सोडा कितने वॉशिंग सोडा हमको उसको रिमूव करने के लिए चाहिए, उसके हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमको कितने अमाउंट में वॉशिंग सोडा चाहिए वो हमको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 30 सेकेंड का टाइम है। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन शो द रिएक्शन Mg+2 + N2CO3 प्रोड्यूस Mg CO3 + 2Na+ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और वो भी 1 ग्राम उसका इक्विवेलेंट है वेट, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, उसका भी 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द Mg+2 इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ Mg+2 इज इक्वल टू द 12,000 मिलीग्राम। नाउ वी 1000 मिलीक्यू नंबर ऑफ द N2CO3 इज इक्वल टू 12,000 mg ऑफ Mg+2 आयन। देर इज द सॉल्यूशन ऑफ 3 वैल्यू वी हैव द 3 वैल्यू, द वन वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट। द 1 मिलीक्यू ऑफ द N2CO3 इज इक्वल टू द 12 mg ऑफ द Mg+2 आयन। योर आंसर इज द 12 mg ऑफ Mg+2 आयन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 1 cc N2O एट NTP कंटेन ऑप्शन ए 1.8 upon 224 × 10^22 atom, बी 6.02 upon 22,400 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, सी इज इक्वल टू ऑप्शन सी है सॉरी 1.32 upon 224 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। N2O NTP कंटेंस 1 cc में कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझ के आंसर देना है क्योंकि पीछे की वैल्यू सभी ऑप्शन में अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और एटॉम वो डिफरेंट है, वो समझ के हमको आंसर चूज करना है। योर टाइम इज ओवर, लेट्स गो फॉर आंसर। एज वी नो द 22,400 cc ऑफ N2O कंटेन 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जो एक हमारे ऑप्शन में है। 1 cc ऑफ द N2O कंटेन 6.02 × 10^23 upon 22,400 मॉलिक्यूल्स, वो भी हमारे एक ऑप्शन में है। सिंस N2O मॉलिक्यूल्स देयर आर 3 एटॉम, 1 cc N2O इज इक्वल टू 3 × 6.02 × 10^23 upon 22,400 atoms इज इक्वल टू 1.8 ग्राम ऑफ 10^22 upon 224 atoms, वो हमारा पहला ऑप्शन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O इज इक्वल टू 7 + 7 + 8 इज इक्वल टू 22, हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.02 × 10^23 upon 22,400 × 22 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.32 upon 224 × 10^23। This is the option C. This reasons to option, your answer is the option D, all of the above. Thank you guys. We hope that you enjoy the video. Please like कीजिए, share कीजिए और comments कीजिए. Thank you for the watching our video.